दिल्ली पहुंचे हुए हैं, देहरादून से सीधे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अभी यूपी सदन पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। जगत प्रकाश नड्डा अमित भाई शाह से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि अगर जगत प्रकाश नड्डा से उन्हें मुलाकात करनी होगी तो वो सिख से कृष्णा मेनन मार्ग जाएंगे। मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम चर्चा हो सकती है, कौन मंत्री बनाया जाएगा और कौन राज्य मंत्री बनाया जाएगा और कौन स्वतंत्र प्रभार, ये आज ही तय हो जाएगा। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस बार होंगे या नहीं होंगे ये भी तय हो जाएगा। फाइनल स्क्रिप्ट आज लिख ली जाएगी। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर है भारत समाचार पर, अभी दिल्ली है वो, यूपी सदन पहुंचे हुए हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। हमारे दिल्ली के संवाददाता रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, इनसे जानते हैं कि यूपी सदन में किन से मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी वहां कौन मौजूद है और क्या अमित भाई शाह से और जगत प्रकाश नड्डा से भी मिलने जाएंगे। रवि बताइए दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंच चुके हैं, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश सदन में मुख्यमंत्री अभी फिलहाल मौजूद है। देखिए शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं, हालांकि उत्तराखंड में जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था पुष्कर सिंह धामी का, उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने गए थे और उसके बाद जो है अब दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनसे समय मांगा गया है। अब जिस तरह से समय उनको मिलेगा वो तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा उत्तर प्रदेश में, डिप्टी सीएम को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ऐसे में डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी। पर फिलहाल अभी समय जो है राहुल वो तय नहीं हुआ है कि कितने बजे बैठक होनी है, पर जो हम तक सूचना निकल कर आ रही है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो सकती है देर रात, और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे और चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर, क्योंकि अब देखिए समय बहुत नजदीक आ चुका है। 25 तारीख को ग्रैंड शपथ ग्रहण लखनऊ में होना है, तो ऐसे में अब कोई कसर पूरी ना रह जाए। लखनऊ में भी देखिए बैठक चल रही है, कार्यक्रम को भव्य तरीके से बनाने का, कई किस तरीके से तमाम विधायकों को बुलाया जाए, यानी रवि सिख से कृष्णा मेनन मार्ग पर बैठक हो सकती है देर रात, आप ये बता रहे हैं। अभी यूपी सदन में कौन कौन है बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए अभी यूपी सदन में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो पहुंचे हुए हैं, आधे घंटे हो चुके हैं और अभी मिलने कोई वैसे नेता नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, मुख्यमंत्री उत्तराखंड गए हुए थे और अचानक दिल्ली पहुंचे और किसी नेताओं के पास सूचना भी नहीं है। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में है और यहाँ से जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास जा सकते हैं, वहां पर मीटिंग होगी और मीटिंग में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा होगी। चलिए बहुत शुक्रिया, समय का अभाव इसलिए हम आपको रोक रहे हैं रवि सर्राफ, आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ में 25 मार्च